बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से हर दिन रात खुशोग्रम होगी। देख रहे हैं आप मौसम कितना अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। तो बच्चों ने शोर मचाया कि आज तो पिकनिक लाजमी करनी है, तो बस फिर निकले हैं हम पिकनिक के लिए। तो मौसम देखें कितना अच्छा है, अभी रास्ते में हैं तो आपको वक्ता फ़वक्ता अपने साथ रखेंगे। बच्चे भी बहुत खुश हैं, तो थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा दूँ कि देखेंगे कितना अच्छा मौसम है, कितनी धूप आ रही है, कितनी जा रही है, और बादल भी हैं खूब सारे, काले काले से भी और सफ़ेद से। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो रखते हैं आपको भी साथ साथ। बच्चे आ रहे हैं पीछे, देखें बाइक पर आतिफ नूरी और अतैब नूरी हैं पीछे। सामने देखें जी, शाह फैसल मस्जिद जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। बहुत ठंडी हवा चल रही है और इस्लामाबाद जो है वो बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह बिल्कुल ग्रीन है, देख सकते हैं आप नज़ारा। जी हम आए हैं ज़ू, लेकिन यहाँ पर जो है ना बंद है कोरोना की वजह से, तो हम जा रहे हैं वापस। ठीक है, और बच्चे जो है ना बड़े मायूस हो गए हैं, और ये देखें बच्चे बड़े मायूस हो गए हैं कि ज़ू जो है वो बंद है कोरोना की वजह से। अबू बकर जो है ना वो माशाल्लाह बड़े तैयार श्यार हो के आए थे और बड़े मायूस हो गए हैं, सोच रहे थे कि कोरोना जो है वो नहीं होगा, ख़त्म हो गया, तो ज़ू जो है वो खुल गया होगा। बड़े खुश थे कि लॉयन देखेंगे और एलिफेंट देखेंगे, लेकिन आगे से तो मायूसी हुई। देखा, ये कह रहे हैं कि वहीं जाना है, इन्होंने कहाँ जाना है, क्या देखना है। अब हम आए हैं प्लेलैंड, लेकिन इसको भी देखते हैं कि कहीं ये भी बंद तो नहीं है। और देखें इसका जो एंट्रेंस है वो बड़ा प्यारा सा है, अच्छा सा लुक दे रहा है। जी आ गए हैं हम प्लेलैंड में, और शुक्र है कि ये जो है ना ओपन है। ठीक है, और इतना ज़्यादा रश नहीं है, तकरीबन खाली ही है, कोई कोई फैमिली है, क्योंकि कोरोना की वजह से शायद पता नहीं है अभी कि ओपन हो चुके हैं पार्क्स के नहीं। तो देखें अबू बकर, आतिफ और अतैब खुश हैं बहुत, क्यारियाँ भी हैं यहाँ पर, देखें प्यारे प्यारे फूल हैं। बारिश के बाद जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, और अभी भी बादल हैं और बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है। ठीक है, मम्मी जाना ज़रा प्लस। अबू बकर भी अपने भाइयों की तकलीद में पीछे पीछे हैं और जा रहे हैं। तेज से जाओ, तेज से जाओ, नहीं देरता, जल्दी से आ, तेज तेज आ जाओ। और ये हो गया है इनका पार, चलें जी। ये टायर वाला झूला जो है ना अतैब नूरी चलाएंगे। अब ये देखें, ये देखें और अबू बकर भी कह रहे हैं कि मैंने भी इस पे बैठना है। देखें जी तीनों जो है ना वो चढ़ रहे हैं ऊपर, और अबू बकर साथ साथ है, हर वो काम करते हैं जो बड़े भाई करते हैं। ये देखें माशाल्लाह चढ़ गए हैं ऊपर, और ये ऐसे है,
कुछ आगे जाओ, आगे ऐसे मैं आपको आगे ले जाता। आपके कितने खूबसूरत मंजर हैं कि कहीं कहीं झाड़ियां जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं और बाकी दरख्त जो हैं वो ग्रीन हैं। आप देखें कि कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, अल्लाह की कुदरत है। आप इस वाले पे चढ़ेंगे बच्चे, नूरी चढ़ गया और पास जो है ना वो तकरीबन खाली ही है। आतिफ आ रहे हैं, कहीं कहीं लोग नजर आ रहे हैं दूर दूर, वैसे पार्क खाली है। ये देखें सामने, देखें बादल जो है ना वो बिल्कुल पहाड़ पे उतरे हुए हैं, पहाड़ छुपे हुए हैं बादलों में। ये देखें जरा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। देखिए ये झाड़ियों का एक झुंड था जो कि शायद आंधी की वजह से ना उखड़ गया है ज़मीन से। ये देखें तैयब नूरी, देखेंगे इसको पार कर सकते हैं कि नहीं, और दरमियान में पहुंच चुके हैं और छोड़ दिया है। ये भी कुछ एक सिलसिला है किसी एक्टिविटी का। और ये देखें ये छोटा सा जो घर है ना इसके अंदर से चले गए हैं अतैयब नूरी और अबू बकर। देखें इसके अंदर से गए हैं और ऊपर चढ़े हैं, अंदर से ऊपर चढ़ना है इन्होंने यहाँ से जाकर। ठीक है ये देखें इसके अंदर से ऐसे और यहाँ से ये निकलेंगे, आएंगे यहाँ से आएंगे, सीढ़ियाँ हैं अंदर से, अंदर से सीढ़ियाँ और ये आ गए। ये देखें अतैयब भी आ गए हैं, इसमें सीढ़ियाँ कुछ चढ़ा था नहीं, और अब यहाँ से ऊपर चढ़ना। बच्चे मसरूफ हैं तो ये वाले झूले हैं, थोड़ा इस पे मैं बैठने की कोशिश करती हूँ क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा है नीचे। देखते हैं बैठते हैं थोड़ा सा, लेकिन मेरे जूते ख़राब हो जाएंगे जी। मैं बैठ गई हूँ झूले में और झूले ले रही हूँ मैं और मेरे पाँव में। और बच्चे देखिए उधर चढ़ गए हैं ऊपर। और नीचे जो है ना ये देखिए पानी है काफ़ी जगह से जा रहे हैं बच्चे। और अतैयब ने अपने कपड़े जो है ना वो काफ़ी गंदे कर लिए हैं क्योंकि मिट्टी जो है वो गीली है। और कुछ और भी प्यारे प्यारे से बच्चे आ गए हैं, चलो देखें। ये वाले हैं अब, ये वाले हैं और इससे जा रहे हैं अबू बकर और आतिफ अतैयब नूरी। और अबू बकर थोड़े से डर रहे हैं और ये वाले बच्चे भी हैं यहाँ पर। चलो अब ये देखिए अबू बकर खुद से जा रहे हैं इस पे, उधर से पकड़ा। आतिफ नूरी ना उधर दूसरी साइड पे रस्सियों की मदद से ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि इनको जो है ना आर्मी जो है वो बहुत पसंद है, तो ये कहते हैं कि मैंने आर्मी में जाना है। तो ये देखें ये ऊपर चढ़ रहे हैं और अबू बकर भी उतर आए हैं नीचे। और अतैयब देखिए आतिफ आ जा, आतिफ जो है ना वो इससे डर रहे हैं लेकिन एक दफ़ा ट्राई किया है तो आधे में से उतर गए थे, अब दोबारा आ रहे हैं। मिट्टी जो है ना वो बहुत नरम हो चुकी है ना, तो पांव अंदर धंस रहे हैं, सबके पांव खराब हो चुके हैं जूते। देखिए देखिए जी दफ्तों के साथ ये क्या चीज लगी हुई है, ये तो मुझे भी नहीं पता। अल्लाह की कुदरत है कि एक ही दरख्त पे दो दो रंग हैं, एक इस तरह के पत्ते हैं कुछ, ये देखें, और कुछ ये चीज़ लगी हुई है और ये पता नहीं क्या है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें बहुत प्यारे लग रहे हैं ये, और इस दरख्त को देखें खूबसूरती की इंतहा है। ये देखें आप देख रहे हैं इसके जैसे मोती पिरोए हुए हैं लड़ियों में। ये देखें ये देखें माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह।
ये देखें, जैसे एक एक डाल पे मोती पिरोए हुए हैं। ये देखें अल्लाह ताला ने किस कदर खूबसूरत ये दरख्त है पूरा। ये देखें, ये सब इसी तरह, ये देखें जैसे एक लड़ी में मोती पिरोए हुए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी देर यहाँ पर बैठ जाते हैं, बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं झूलों पे। शाम हो गई है जी और बच्चे जो हैं एक्टिविटीज़ के बाद थक भी गए हैं, तो लाइट्स भी ऑन हो गई हैं। ये देखें पार्क की लाइट्स ऑन हो गई हैं और बादल जो है ना वो मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। ये देखें, ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने भी हमारे साथ इंजॉय किया होगा, तो लाइक का बटन दबा दें फिर, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें नीचे, और नए आने वाले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।